ऋतुराज जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया 280 में। मैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं अध्यक्ष महोदय, जहां पे लगभग 8 लाख की आबादी है और हेल्थ सर्विसेज लगभग जीरो है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत मेहनत करके DDA से ज़मीन लिया हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल का अलॉटमेंट होता है 10 फरवरी 2021 को, और उस वक्त कोविड का जो फर्स्ट फेज है वो ख़त्म हुआ था, और जो डेल्टा है जो सेकंड फेज है वो लगभग मार्च अप्रैल में शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल को ज़मीन का पोजीशन होता है, और 28 जुलाई 2021 को, जो कि कंसीडर ये किया था कि बहुत फास्ट प्रोसेस था, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी का जिन्होंने इसको इतना स्पीडली करवाया। टेंडर पब्लिश हो जाता है 28 जुलाई 2021 को, जबकि पोजीशन हुआ है 6 अप्रैल 2021 में। कुछ ही महीनों के अंदर में इसका टेंडर तक हो जाता है सारी प्रक्रिया करने के बाद, और उसके बाद 11 अगस्त को बिड की ओपनिंग होती है और काम शुरू हो जाता है सितंबर 2021 में। और आप यकीन नहीं करेंगे, 2021 सितंबर में काम शुरू होता है, जबकि किराड़ी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा जरूरत है। 8 लाख की आबादी हमारी खुद की, और आसपास में भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे सारे लोग जाकर के संजय गांधी जाते हैं, और संजय गांधी दिल्ली का सबसे खराब अस्पताल केवल इसलिए है क्योंकि वहां पर में उसकी कैपेसिटी से 50 गुना ज्यादा मरीज आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल किसको चाहिए? गरीब आदमी को चाहिए। गरीब आदमी कहां रहता है? झुग्गी झोपड़ी में और अर्थराइज कॉलोनी में रहता है, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, किराड़ी, बवाना की झुग्गियों में रहता है। लेकिन हेल्थ सर्विसेज के नाम पर में संजय गांधी की तो हालत खराब ही है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल को लेकर के ये बहाना बनाया गया कि नीचे वाटर टेबल बहुत ऊपर है। तो सरकार ये निर्णय करती है कि उसके अंदर में हम पाइल फॉर्मेशन से बिल्डिंग बनाएंगे। उस निर्णय को हुए भी 2 साल हो गया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का पूरा डेलीगेशन जाता है नौटंकी करने के लिए, जिसमें कुछ सांसद भी थे। खूब नौटंकी होती है, खूब ड्रामेबाजी होती है। मैं हेल्थ सेक्रेटरी से मिलता हूं, मैं हर किसी से मिलता हूं, लेकिन केवल तारीख मिलता है, केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। उस काम को अवार्ड हुए भी कम से कम 2.5 साल हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रॉब्लम है क्या, ऐसी क्या परेशानी है किराड़ी के अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए? हमारे गरीब प्रवासी लोग क्यों धक्के खाएंगे कहीं पर में? क्यों कहीं पर में धक्के खाएंगे? हमारे आसपास कोई हेल्थ सर्विस नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जरूरत होती गरीब लोगों को है। तो मैं इस सदन के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर जी का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, और सरकार का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पेशेंट्स की हद होती है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, और किराड़ी में हॉस्पिटल बनना चाहिए, और यही मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, और मैं कर भी कह सकता हूं। धन्यवाद।